डबलो बनाना है। चलो ये ना मैं बनाऊंगी ब्लॉग। मैं खिलाऊंगी ना मुझे ब्लॉग बनाना। मुझे पहले ब्लॉग बनाना है। अभी नहीं। अच्छा पहले बना लो जल्दी से कैमरा ज्यादा नहीं चलाओ। हेलो गाइस, कल मैं लाई थी बर्गर खाने तार दस प्लेट तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, स्टार मेरा अनदर ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। सुबह का टाइम है, मतलब कि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते और इतवार के दिन जो है गैस नहीं आता है, जैसे कि अभी देख ले सकते हैं ना होने के बराबर गैस आ रहा है इसमें, तो पराठे मैं बना नहीं सकती और सबको पराठे खाने की आदत है, तो मैंने निकाल दिए फ्रोज़न पराठे और साथ में इसी स्लो आँच पर मैंने चाय बना ली है। चाय बनने में भी बहुत वक्त लगा था। अब जब तक ये पराठे बनते हैं सब नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। और ये कल मैंने बनाया था ज़ीरा पुलाव और साथ में मैंने अचार गोश्त बनाया था, तो ये थोड़ा सा पुलाव बाकी बच गया था और ये बिल्कुल ठीक है, अभी ख़राब नहीं हुआ है। मैं सोची इसको ही गर्म कर देते हैं, गैस तो आ नहीं रहा है, उसी स्लो स्लो से गैस में ही मैं इसे गर्म कर दूँगी और ये अचार गोश्त बचा हुआ है, तो दोनों चीज़ों को गर्म करके मुझे पतीला है वो धोना है, मतलब कि किचन की क्लिनिंग करनी है। गैस की लोड शेडिंग से हम सब परेशान थे, अब लाइट ने भी बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहाँ। हमने सोचा था कि सर्दियों का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो फिर गैस जो है वो सही हो जाएगा, बट लग नहीं रहा है कि गैस जो है वो सही होगा। हमें इसी तरह ज़िंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि हम तो रहते हैं पाकिस्तान में। मैं अभी बर्तन धोते हुए अपने कप देख रही थी, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं ये कप लेकर आई थी और मेरे कप सारे जो है ना वो चटक गए हैं, यानी कि मेरे बच्चों ने इसे गिरा पड़ा कर ना तोड़ दिया है। अभी मजबूरी में मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो लिया। मेरे चाय का पतीला चांदी की तरह चमक गया है और ये देखिए अचार गोश्त भी मैंने गर्म कर दिया निकाल कर अलग बर्तन में, और तवे पर मैंने ज़ीरा पुलाव को भी रखा था गर्म करने के लिए। अभी मैंने ये वाले पतीला नहीं वॉश किया है, जब ये खाली हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वॉश करूँगी। अभी दोपहर में मैंने यही वाला चावल जो है वो बच्चों को खिलाना है और मैंने भी खाना है क्योंकि गैस बहुत स्लो आ रहा है, अभी खाना नहीं बन सकता। ये देखें कुकर भी मैंने वॉश कर लिया है, तो किचन के तो सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, अब थोड़े बहुत काम रहते हैं तो मैं गैस आने का इंतज़ार करी क्योंकि गैस जब तक सही से नहीं आ जाता है तब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। दोपहर का खाना तो हम सब ने खा लिया था, फिर मैंने क्या किया कि शामी कबाब निकाल कर मैंने इस तरह रख दिया जब तक कि ये मेल्ट हो जाते हैं। स्लो स्लो गैस आ रहा है, मैं सोची अगर गैस नहीं आया सही से तो फिर कबाब फ्राई कर लूँगी क्योंकि मेरे के पापा को ड्यूटी भी जाना है। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स निकाल कर रखे हैं, जो समोसे की पट्टी बच गई थी ना उसके लिए मुझे आज स्टफ़ तैयार करना है। और ये थोड़े से चिकन मैंने बचा कर रखे थे तो इसे भी मैं ऐड करके बनाने वाली हूँ। इसे थोड़ा सा और मैंने कूटा लगा दिया है, मतलब कि कूट लिया है, इसके स्टफ़ तैयार करेंगे। जब तक गैस नहीं आ जाती इसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर भी लिया है और कॉर्नफ्लोर में डाल दिया मैंने दूध। आज स्टफ जो मैं बनाऊंगी ना वो थोड़े अलग स्टाइल में बनाऊंगी और ये स्टफ बहुत ही यम्मी बनता है, इसे आप रोल भी बना सकते हैं, इसे आप समोसे भी बना सकते हैं। मैं बाबा को कुछ भी नहीं दूंगी, गंदे मेरा के बाबा गंदे, मेरा के बाबा गंदे। यस yes. मुझे क्यों नहीं लेके गए? हाँ तो घर में जो शर्बत तो उसको भी तो जूस बोलते हैं, जो जो वो है येलो वाला चीज पाउडर, येलो वाला पाउडर टैंक टैंक बोलते हैं, टैंक वो टैंक शर्बत जो आया वो येलो नहीं है, ऑरेंज है। जो टैंक शर्बत आया है वो इसको भी तो जूस बोलते हैं। मैं घर वाला नहीं पीऊंगी, आप बाहर पी कर आई, मम्मा को क्यों नहीं लेके गई साथ ये बताओ, अकेले अकेले पी कर आ गई। मुझे बाहर वाला पीना जो खुद पी कर आई है आप, मुझे नहीं, मुझे भी जाना थोड़े थोड़े मैं सारे मेरे लिए बाबा के पास पैसे खत्म हो गए। वो जो बाबा रात में ड्यूटी टाइम जाते पैसे देकर जाते, मेरे पास 1.5 लाख पैसे है, मुझे अब भी जाना है, झूठ नहीं, सच्ची सच्ची वाली बात बताना, मुझे अभी जाना है। नहीं रहूंगी घर। हाँ तो ठीक है, दिला दूंगी। शाम के टाइम कहीं जाकर गैस आया है और इस वक्त तो मैं कोई सालन वगैरह नहीं बना सकती थी। अच्छा हुआ कि मैंने मेल्ट करने के लिए कबाब रख दिए थे, तो अभी वही शामी कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ और मेरा के पापा की ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, तो इन शामी कबाब के साथ मैंने रायता भी बनाना है, उसके साथ मैंने रोटियाँ पैक करके उनको लंच दे देना है, फिर रात में भी हम सब क्या करेंगे यही शामी कबाब फ्राई कर लेंगे क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने ये कबाब बनाया था, इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है।
आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अभी दोबारा से मैंने कबाब बनाना है क्योंकि कबाब अब हो गया है ख़त्म, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं कबाब भी बना कर रखूँगी। वैसे तो मैंने सारी तैयारियाँ रमज़ानों की कर ली हैं, थोड़े थोड़े करके मैंने कर लिया, बट बहुत सारे काम जो है मेरे वो निमट चुके हैं रमज़ान के हवाले से। और ये वाला जो मसाला है ना, ये मैंने बनाना बताया था आप लोगों को, ये है दही बड़े मसाला यानी कि रायता मसाला। इस मसाले से बहुत ही मज़े का रायता बनकर तैयार होता है, जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद आपने इस रायते को पतला करना चाहते तो पानी डाल लें। अभी मैं आ गई समोसे के स्टफ तैयार करने के लिए, और मुझे फिक्र लगी है कि मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी है, मतलब कि एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद मुझे अपलोड करना है और लाइव भी चली जाएगी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये समोसे का स्टफ तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी अपनी वीडियो का। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन सोते किया 2 चम्मच ऑयल में, उसके बाद मैंने ज़्यादा सारा चॉप करके प्याज शामिल किया है। प्याज को थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट होने तक पकाऊंगी, मतलब ज़्यादा से ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए, गाजर और शिमला मिर्च है, और ये भी मैंने कट करके पहले ही रखा था, सो फ्रीज़ किए हुए थे, तो उसी को मैंने निकाल कर अभी डाल दिया। चॉप की भी हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, थोड़ा सा इसे पकाएंगे। सब्जियों को पहले ही से कट करके मैंने रख लिया था, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। अभी मुझे कट करना भी पड़ता और बनाना भी पड़ता तो कितनी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। मैंने इसमें डाल दिया है पत्ता गोभी कट की हुई, काली मिर्चें डाल दी हैं, काली मिर्चों के साथ मैंने वाइट पेपर यानी वाइट वाली जो मिर्चें होती हैं गोल, वो भी मैंने डाली हैं। उसके बाद मैंने चाइनीज सॉल्ट थोड़ा सा जायके के हिसाब से डाल दिया और नमक डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स करके मैंने 2 मिनट के लिए रेड लगाया है, क्योंकि सब्ज़ियाँ बारीक कटी हुई हैं, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है, रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है। ये सारे मसाले जो है ना, मिर्च मसाले जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। उसके बाद मैंने डार्क सोया सॉस डाल दिया 1 चम्मच और हॉट सॉस 1 चम्मच। ये जो स्टफ़ मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। इस स्टफ़ को ना आप बहुत सी चीज़ों में डालकर बना सकते हैं। अभी मैंने इटालियन हर्ब्स में ओरिगैनो शामिल कर दिया है, उसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर वाला दूध। ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध डालते वक्त आपने फ्लेम को यहाँ पे लो कर देना है, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये स्टफ बनकर हो गया है तैयार। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है, बस ये थोड़ा सा थीक हो जाए जब तक इसे पकाना है। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और ठंडा होने के लिए सभी से रख देना, जब भी ठंडे हो जाएंगे फिर बाकी का काम करना है। इसमें अभी एक इन्ग्रीडियंट मैं और ऐड करूँगी। थोड़ी देर बाद ये स्टफिंग बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था, अभी इसे मैंने ले लिया है, और जो दूसरे इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, इसे स्टफ को मुकम्मल ठंडा होने के बाद ही ऐड करना है। जैसे कि मैं अभी बताती हूँ मैं क्या ऐड करने वाली हूँ, तो मैं ये वाला चीज़ ऐड करने वाली हूँ, मोज़रेला चीज़ है। इसे अभी मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ स्टफ़ में, और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि स्टफ़ मुकम्मल ठंडा होना चाहिए, फिर आपने इसे को ग्रेट करना है इसके अंदर, पहले नहीं ग्रेट कर देना गर्म होते ही, वरना क्या होगा चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और चीज़ की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप इसमें चीज़ डालना चाहते हैं उतना आप डालें इसमें। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल दिया है, ग्रेट करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स किया है। अब ये स्टेप बिल्कुल तैयार हो गया, अब इसे आप समोसे बनाएं, रोल बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं समोसे बना रही हूँ क्योंकि ये बटियाँ मेरी बच गई थी। इस स्टफ को आप रैप में भी यूज़ कर सकते हैं, रैप में आप रोल बना के इसे फ्राई करके खा सकते हैं। आपके घर में पराठे बने हुए हैं, घर की रोटियाँ बनी हुई, उसमें भी आप स्टफ ऐड करके पैन में सिर्फ गरम कर लें, बहुत मज़े के बनते हैं। किसी भी चीज़ में आप इसे डालकर बना सकते हैं, ये स्टफ का जायका बहुत मज़े का होता है। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को, खास के हनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये स्टफ मैंने उसके ही फरमाइश पे बनाई थी। अभी मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं और ये स्टफ बच गया है, तो इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी, बाद में फिर दोबारा हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ कर लूँगी, या फिर बच्चों को अगर ज़रूरत पड़ेगी पराठे वगैरह में डालकर रोल बनाकर तो मैं बना कर दे दूँगी। अब इन समोसों को मैं जिपर लॉक बैग में सेव कर दूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। जल्दी जल्दी करके मैंने काम तो निपटा लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही मैं वीडियो का काम करने बैठूंगी और लाइट नहीं चले जाना है, क्योंकि लाइट जाने का टाइम बिल्कुल हो चुका है। और मैं जल्दी जल्दी सोची थी कि मैं काम निपटा लूँ, बस ये आखिर का काम रहता है, जल्दी जल्दी से मैं इसे करती हूँ फ्रीज़, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या है। अगर लाइट चली जाती है फिर देखती हूँ कि आज किसके घर जाना है। 2 दिन से तो मैं अबू के घर जा रही हूँ, आज मैं नहीं जाऊँगी अबू के घर। अभी देखते हैं कि लाइट चली जाती है तो फिर मेरा क्या प्लान बनता है। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, लाइट चली गई। फिर मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए सोचना पड़ा कि आज किसके घर जाएं, तो मैं आ गई इरसाम फैमिली ब्लॉग के घर, मतलब कि अपने छोटे देवर के घर और छोटी सिस्टर के घर।